हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विलनाइज्ड। आज हम कुछ यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग माने जाते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। भारत में ग्रहों को दो नज़रियों से देखा जाता है। एक तरफ ज्योतिष शास्त्र में उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ उन्हें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो आज हम वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स जानने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस वीडियो से पहले बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट पे वीडियो बन चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। इंडियन माइथोलॉजी और मानव शरीर से जुड़ा एक बहुत ही रहस्यमय फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। शुक्र नाम का अर्थ शुक्र, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ शुद्ध यानी कि स्वच्छ माना जाता है। शुक्र शब्द के नाम का उच्चारण शुक्ल शब्द से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ श्वेत या उजला हुआ माना जाता है। शुक्र ग्रह का प्रतीक। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की नवग्रह में गिनती होती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं। कई भारतीय भाषाओं में सप्ताह के छठे दिवस को शुक्रवार कहा जाता है, जो शुक्र का प्रतीक है। शुक्र ग्रह का जन्म। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति के साथ हुआ, जिससे धाता विधाता नामक दो पुत्र और श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के भी पुत्र हुए, जो कि कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म पार्थिव नामक वर्ष में श्रावण शुद्ध अष्टमी को स्वाति नक्षत्र के उदय के समय हुआ था। शुक्र के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव यानी कि गुरु और महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी कि शुक्र, ये दोनों भी समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति के बाद महर्षि अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। कवि यानी कि शुक्र महर्षि अंगिरा के साथ ही रहकर उनके पुत्र के साथ विद्या ग्रहण करने लगे। शुरुआत में अंगिरा दोनों पुत्रों को समान ज्ञान देते थे, परंतु कुछ समय बाद अंगिरा ने अपने पुत्र पर विशेष ध्यान दिया। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानने के बाद कवि यानी कि शुक्र ने अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़ जाने की अनुमति ली और वह गौतम ऋषि के पास जा पहुंचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुनकर उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेश के अनुसार शुक्र ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने शुक्र को मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की, जिसका प्रयोग मृत व्यक्ति पर करने के बाद वह जीवित हो जाता है। साथ ही ग्रहत्व प्रदान करते हुए भगवान शिव ने शुक्र को कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा, तुम्हारे उदय के बाद ही विवाह और शुभ कार्य आरंभ किए जाएंगे। अपने विद्या से पूजित होकर शुक्र दैत्यों के गुरु के पद पर नियुक्त हो गए। शुक्र इतने दयावान थे कि उन्होंने अंगिरा ऋषि ने उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के बाद भी उनके पौत्र यानी कि गुरु के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। शुक्र को शुक्र नाम कैसे मिला? शुक्र नाम से प्रसिद्ध होने से पूर्व वे कवि और भार्गव नाम से जाने जाते थे। दानवराज अंधकासुर और महादेव में घोर युद्ध चल रहा था। अंधकासुर के प्रमुख सेनापति युद्ध में मारे गए, पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होने के बाद वे और आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस बात पर नंदी और आदिगण महादेव से कहने लगे, हम जिन दैत्यों को मार रहे हैं दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं, ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व है? यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुंह से निगलकर उदरस्थ कर दिया। उदर में जाने के बाद भी कवि ने महादेव की आराधना कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे।
पर कोई छोर ना मिलने पर बार बार शिव की प्रार्थना करने लगे। इस बात पर भगवान शिव ने हंसकर उन्हें कह दिया कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अब तुम मेरे शिश्न से बाहर आ जाओ। जी हाँ, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, पर शुक्र को महादेव ने जब मुंह से निकलकर एक साल तक उदरस्थ कर दिया था और एक वर्ष के बाद भार्गव महादेव से शिश्न से यानी कि लिंग से बाहर आ गए थे, तब महादेव ने कहा कि आज से समस्त चराचर में तुम्हें शुक्र नाम से जाने जाओगे। शायद इसीलिए ही स्पॉम्स को शुक्राणु कहा जाता है। और वह दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तब से कवि को शुक्राचार्य नाम प्राप्त हुआ। शुक्र ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में महत्व। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुक्र को लाभदाता ग्रह माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुक्र रोमांस, कामुकता, कलात्मक प्रतिभा, शरीर और भौतिक जीवन की गुणवत्ता, धन, विपरीत लिंग, खुशी और प्रजनन, प्रेरण गुण, ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला का प्रतीक है। शुक्र का कलाकारों पर अच्छा प्रभाव होता है, ऐसा इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कहा जाता है। शुक्र का महाभारत से संबंध। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य भीष्म के गुरुओं में से एक थे। उन्होंने भीष्म को राजनीति का ज्ञान कराया था। तो ये थी विनस यानी कि शुक्र ग्रह की एस्ट्रोलॉजिकल साइड। और अब जानते हैं कुछ वियर्ड एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स विनस के बारे में। अ डे ग्रेटर देन अ ईयर, सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन विनस पर एक दिन लंबा होता है एक साल की तुलना में। विनस और सन में डिस्टेंस कम होने की वजह से विनस को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 डेज लगते हैं और खुद का चक्कर लगाने में ये प्लैनेट 243 डेज लेता है। यह इस वजह से होता है क्योंकि ये ग्रह अपने एक्सिस पर बहुत ही स्लो रोटेट करता है और इसी वजह से यहाँ पर एक साल छोटा होता है एक डे की कंपैरिजन में। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हर दिन एक नया साल मनाना। वोल्केनोज ऑन वीनस। सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों की तुलना में वीनस पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स को इस ग्रह की सरफेस पर 1600 से ज़्यादा वोल्केनोज मिल चुके हैं और इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर वोल्केनोज एक्टिव स्टेट में हैं और ये इस ग्रह पर हाहाकार मचाते हैं। अर्थ ट्विन। हमारी सोलर सिस्टम में अगर कोई ग्रह पृथ्वी जैसा है तो वो वीनस है। हमारा ग्रह और वीनस लगभग सेम आकार के हैं। इसी तरह वीनस की संरचना काफ़ी हद तक पृथ्वी के समान है और शुक्र की ऑर्बिट भी सोलर सिस्टम में सिर्फ पृथ्वी जैसी ही है। दोनों ग्रह में सरफेस है और बादलों के साथ थिक एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, लेकिन शुक्र ग्रह के बादल ज़्यादातर जहरीले गैस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं, तो इनका एग्जाम्पल देना शायद ठीक नहीं होगा। अवर ब्राइटेस्ट प्लैनेट। जबकि वीनस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी से इसकी निकटता इसे आकाश के ग्रहों में सबसे ब्राइटेस्ट या फिर चमकीला बना देती है। यह मून के बाद रात के आकाश में दूसरी सबसे चमकीली वस्तु के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में शुक्र इतना चमकीला दिखाई दे सकता है कि जनवरी 2011 में एयर कैनेडा की एरोप्लेन में सवार एक पायलट ने चमकदार ग्रह को कुछ और समझा। कैनेडा के हवाई परिवहन अधिकारियों के अनुसार पायलट ने अपने विमान को एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भेजा, जो बाद में जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि वीनस, जो अभी भी सुरक्षित रूप से लाखों मील दूर है, उसके साथ टकराव से बचने के लिए वो सब किया गया था। मिस्ट्री ऑफ द एंशियंट्स। शुक्र ग्रह हजारों वर्षों से आकाश में ऑब्जर्व किया गया है। प्राचीन बेबोलियंस 1600 ईसा पूर्व में आकाश में वीनस के भटकने को ट्रैक किया करते थे। ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि सुबह और शाम के आकाश में सबसे चमकीले तारे वास्तव में एक ही वस्तु शुक्र हैं। पूरे इतिहास में आज तक शुक्र हमारे आकाश में सबसे ज़्यादा अधिक अध्ययन करने वाली सेलेस्टियल बॉडी में से एक रहा है। अ विंडी प्लैनेट। शुक्र पर हवाएं सुपर फास्ट गति से ट्रैवल करती हैं, जो इसकी मिडल क्लाउड्स में 450 मील्स प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। ये शुक्र की हवाएं पृथ्वी पर सबसे तेज बवंडर से भी तेज हैं। वीनस हैज फेजेस। शुक्र पृथ्वी की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह के फेजेस
सेम हमारे चंद्रमा की तरह है। जब शुक्र सूर्य की अपोजिट दिशा में होता है तो यह पूर्ण फेज में होता है, जबकि यह नए फेज में प्रकट होता है तब यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। चरणों को देखने वाले पहले व्यक्ति 1610 में खगोल शास्त्री गैलीलियो गैली थे। इस इंफॉर्मेशन पर आपके क्या थॉट्स हैं और कौन से दूसरे टॉपिक पर आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। विनस यानी कि शुक्र की तरह और भी प्लैनेट पर ऐसी सीरीज बनने वाली है, तो उसकी जानकारी के लिए और बहुत से अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए फिलोनॉइस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको भी लर्निंग से लव है ना, तो वेलकम टू आवर फिलोनॉइस्ट फैमिली।